देखो मॉडर्न फिजिक्स में हमने एक दो पोर्शंस को अभी डिस्कस नहीं किया. एक, जब एक लाइट फोटॉन्स की फॉर्म में एक सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो कितनी फोर्स से स्ट्राइक करती है. हम फोटॉन्स का मास तो लेते नहीं, पर फोटॉन्स फोर्स और प्रेशर किसी भी सरफेस पे लगाते हैं. वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो फोटॉन्स हैं उनका मोमेंटम का चेंज माना जाता है, और फोटॉन्स क्या, क्योंकि मोमेंटम चेंज हो रहा है तो इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को फोर्स बोलते हैं, और फोर्स है तो फोटॉन्स का प्रेशर भी है. और इस बार का जेई मेंस का पेपर जो है उसके अंदर, ऑनलाइन पेपर के अंदर, इस प्रेशर के ऊपर एक क्वेश्चन आया है. प्रेशर या फोर्स मुझे याद नहीं, लेकिन आया है. एक तो ये टॉपिक है, दूसरा कोलिजन्स. कोलिजन्स या फिर जब एक्सप्लोजन होता है एक न्यूक्लियस का तो कैसे मोमेंटम कंजर्व होता है और कैसे क्या टेक्निक से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये दो मेजर टेक्निक्स हमने डिस्कस नहीं किए हैं, बाकी ऑलमोस्ट हमने एक एक बार कवर किया हुआ है. इस टॉपिक को जो ध्यान से देखना, ये टॉपिक जो है वो बेसिकली मैंने जो फॉलो किया वो बीएम शर्मा की बुक है, उसमें से करवाया है मैंने, तो उसी की बुक वो फोटोकॉपी करवाई है बेसिकली. तो वो जो बुक है उसमें ठीक अच्छा एक्सप्लेनेशन है, रादर उतनी एक्सप्लेनेशन एच सी वर्मा के अंदर भी मेंशन नहीं है जितनी उसके अंदर मेंशन है. इतनी मेंशन है कि बार बार मैं अगले 15 मिनट एक ही चीज़ बोलूँगा, वो तो चीज़ एक ही होगी घूम फिर के. तो मतलब आप जरा ध्यान से सुनना कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ. सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यू टू लाइट सोर्स. इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, मैं साथ साथ लिखता जाता हूँ क्योंकि अभी असाइनमेंट नहीं आपके पास. इंटेंसिटी का मतलब है एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया. ठीक, मींस कि अगर मान लो एक लाइट का सोर्स है और फोटोन निकल रहे हैं, लाइट निकल रही है, सामने एक स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर जाके लाइट के फोटोन्स गिरेंगे और मान लो इतने एरिया पे स्ट्राइक करते हैं, तो कितने फोटोन्स यहां पर स्ट्राइक कर रहे हैं? ऑब्वियस उनके पास कोई एनर्जी है, तो पूरी लाइट की कोई एनर्जी है. तो लाइट की कितनी एनर्जी है एक सेकेंड में, एक पर यूनिट एरिया पे कितनी लाइट की एनर्जी गिर रही है, अगर मैं वो कैलकुलेट करूं वो मेरी इंटेंसिटी है. तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. आगे यही डायग्राम यहां ड्रॉ भी किया हुआ है इसने. टॉर्च है या सोर्स है जिसकी पावर क्या है, पी. तो पी इज द पावर ऑफ बल्ब या पी इज द पावर ऑफ टॉर्च, और इतनी पावर, पावर का मतलब एनर्जी अपॉन टाइम, इतनी पावर से जो लाइट है वो या जो भी सोर्स है उसकी इतनी पावर है. लाइट या फोटॉन्स आ रहे हैं, स्क्रीन पे स्ट्राइक कर रहे हैं, और मान लो एरिया ऑफ, कितने एरिया पे स्ट्राइक कर रहे हैं, ए. ये भी क्लियर है. तो इंटेंसिटी का मतलब क्या बताया, एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, और एनर्जी पर सेकंड को क्या लिख सकते हैं, पावर डिवाइडेड बाय कितने एरिया पे लाइट गिर रही है, ए. तो परपेंडिकुलर कितने एरिया पे गिर रही है, ए. तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला पावर बाय एरिया. ये भी क्लियर है. तो सेकंड फॉर्मूला लिखते जाओ साथ में, इंटेंसिटी इज पावर बाय एरिया. ठीक, अब नेक्स्ट है इसमें, अगर मान लो एक पॉइंट सोर्स है, एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स हर तरफ लाइट को क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है, और कैसे एमिट करेगा, इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर एमिट करेगा. स्फीयर का रेडियस सपोज कितना है, आर. जो स्फीयर का रेडियस है वो सपोज कितना है, वो सपोज आर है. ठीक, स्फीयर का रेडियस है आर. ठीक है, तो इसमें इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी इज पावर बाय एरिया, क्योंकि इस बार एरिया स्क्रीन नहीं है, इस बार एरिया स्फीयर है. तो स्फीयर की फॉर्म में लाइट एमिट होगी, और एनर्जी पर सेकंड को क्या बोलते हैं, पावर. पावर अपॉन एरिया, एरिया कितना है, 4πr², तो क्या आ गई, इंटेंसिटी. तो ये फॉर्मूला भी क्लियर है. ठीक, कुछ नई चीज नहीं है, वही इंटेंसिटी के डेफिनेशन को चेंज करता जा रहा है ये. नेक्स्ट है फोटोन फ्लक्स. ये फोटोन फ्लक्स क्या होता है, फोटोन फ्लक्स का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इन द बीम इज नोन एज फोटोन का फ्लक्स. फ्लक्स का मतलब नंबर. तो कितने फोटोन्स हैं एक बीम के अंदर, एक सेकेंड में एक एरिया को कितने फोटोन स्ट्राइक करते हैं, फोटोन का फ्लक्स है. तो ये डेफिनेशन क्लियर है कि फोटोन का फ्लक्स जो है, वैसे बेसिक डेफिनेशन क्या है,
बेसिक डेफिनेशन इज फोटोन के फ्लक्स की, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, ये फोटोन का फ्लक्स है। ये डेफिनेशन भी क्लियर है, लेकिन आप डेफिनेशन कुछ और देख रहे हैं वहां पे। उसने क्या किया, उसने ये कहा कि मान लो, इधर ध्यान से, मान लो टोटल नंबर ऑफ फोटोन मुझे निकालने हैं। अगर मैं आपको लाइट की इंटेंसिटी बता दूं आई, आई का मतलब है एनर्जी पर सेकेंड, आप इस इंटेंसिटी को, एनर्जी को एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर लेना, तो क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। पॉइंट समझ में आ रहा है कि टोटल एनर्जी कितनी है, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया कितना है, आई, और इसको एक फोटोन की एनर्जी से अगर डिवाइड करेंगे तो मेरे पास ये क्या बच जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है अनुज, टोटल एनर्जी लाइट जो भी है उसको एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स आएंगे, और टोटल एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया को एनर्जी से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया आ जाएगा। तो ये डेफिनेशन समझ में आ रही है कि टोटल इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय एक फोटोन की इंटेंसिटी, तो क्या बचेगा, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो सेकेंड फॉर्मूला क्लियर है, आई को एच सी बाई लैम्डा से डिवाइड करोगे, ये फॉर्मूला आपको क्या देगा, फोटोन का फ्लक्स। ठीक है यहां तक, नेक्स्ट है। अब इसमें एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है मान लो पावर ऑफ द सोर्स पी है, एक बल्ब पी पावर का है, विच एमिट्स लाइट इन ऑल डायरेक्शन, इट प्रोड्यूसेस फोटोन्स पर सेकेंड। अगर नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड निकालने हो तो पावर को एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दो, क्यों, क्योंकि पावर का मतलब है एनर्जी अपॉन टाइम, और एनर्जी अपॉन टाइम का मतलब है एनर्जी, टोटल एनर्जी को एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ फोटोन आएंगे, तो क्या बनेगा, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, इसको किससे रिप्रेजेंट किया, एन से। तो एन का मतलब, तो ये फॉर्मुला याद करने की जरूरत क्या है, अगर आप आई से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड पर यूनिट एरिया आएगा, और अगर पी से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड आएगा। तो ये फॉर्मुले, ये फॉर्मुले में फर्क ही नहीं कुछ ज्यादा, ये फॉर्मुला भी क्लियर है। तो ये आपको याद नहीं करने, बस ये याद रखना कि टोटल इंटेंसिटी को इससे डिवाइड करेंगे तो फोटोन फ्लक्स आ जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, और अगर पी से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड आ जाएंगे। ठीक है, और मेरे को अब ये पता है कि एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, और मान लो एक पॉइंट सोर्स है और स्फीयर की फॉर्म में लाइट को एमिट कर रहे हैं, तो अगर मैं इस एन को, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड को एरिया ऑफ स्फीयर से डिवाइड करेंगे तो फिर से क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, फाई। तो फाई का नेक्स्ट फॉर्मूला, मैंने कोई फॉर्मूला याद नहीं किया, मेरे को अपने मन में यही याद है कि नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। हाँ, अगर मैं इंटेंसिटी से डिवाइड करूंगा तो फाई आ जाएगा, पावर से डिवाइड करूंगा तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड आ जाएंगे। तीनों फॉर्मूले क्लियर है यहां तक, ना समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं इसमें। नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट फॉर्मूला है इसमें, फोटोन डेंसिटी क्या होती है। फोटोन डेंसिटी इज बेसिकली नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट वॉल्यूम। फोटोन डेंसिटी इज नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे मान लो ये फोटोन निकल रहे हैं, फोटोन स्क्रीन पे जाके हिट करेंगे, आप कोई भी फोटोन्स, कोई भी ये एरिया ले लो या कोई भी एक वॉल्यूम ले लो, और ये वॉल्यूम कैसे लेना है, ये वॉल्यूम आपने इतना लेना है कि मान लो ये फोटोन यहां से यहां आने में कितना टाइम लेगा, एक सेकेंड। देखो, जब तक टाइम डिफाइन नहीं करोगे तब तक आप फोटोन काउंट नहीं कर पाओगे, तो इसलिए हर चीज कैलकुलेट की जाती है पर सेकेंड। ठीक, तो आपने इतना पोर्शन ले लिया, इतना वॉल्यूम ले लिया, इतने वॉल्यूम में फोटोन्स प्रेजेंट है, और इतने वॉल्यूम में कितने फोटोन्स, ये लेंथ कितनी है, लेंथ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो सी इनटू वन, ये क्या आ गया, इसकी लेंथ आ गई, और इसका एरिया सपोज कितना है, एस, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, एस इंटू सी इंटू वन, यानी कि एस इंटू सी, इसका वॉल्यूम जो है वो एक सेकेंड में मैंने कैलकुलेट कर दिया, कितना कितने फोटोन मिलेंगे इसमें। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। अब देखो, तो इतने वॉल्यूम के अंदर, इतने वॉल्यूम में फोटोन्स हैं, और मेरे को कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसे पर सेकेंड लिखा नहीं, पर अंडरस्टूड है कि एक सेकेंड के हिसाब से काम चलेगा। अब कैसे, सपोज करो वो कह रहा है आई इज द पावर, आई इज द पावर क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर सेकेंड क्या होती है, पावर, और कितने एरिया पे गिर रही है, एस। अब मुझे पता है
जो फाई है, फाई मैंने आपको, आपने याद नहीं करना है, ये फॉर्मूला खुद बनाना है। अगर आप आई को डिवाइड करोगे एच सी बाई लैमडा से तो अपने आप क्या आ जाएगा, फोटोन फ्लक्स आ जाएगा, क्योंकि फोटोन फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो आई को डिवाइड करोगे, पहली डेफिनेशन यही थी, तो फाई आ गया आपके पास। और कितने वॉल्यूम के अंदर है, एस एन टू सी, मैंने प्रूव कर दिया एस एन टू सी कैसे आया, ठीक है यहां तक। तो इसके अंदर, इसके अंदर सेम डायग्राम है जो मैंने ड्रॉ किया, ये पोर्शन ले लिया इसने, वो कह रहा है सिलेंड्रिकल की फॉर्म में वेव फ्रंट जा रहा है, क्योंकि पूरा जो है सिलेंडर बना हुआ है, फोटोन सिलेंडर की फॉर्म में जा रहे हैं, आपने कुछ पोर्शन कंसिडर कर लिया ये रहा, और जिसका जिसकी लेंथ कितनी है सी इन टू वन, और ये एरिया कितना है एस, तो वॉल्यूम कितना आ गया एस इन टू सी, जो मैंने बोर्ड पर समझा दिया। अब वो कह रहे हैं कि इसमें एन, एन क्या चीज है, ये एन है, एन इज नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड। अब नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड क्या आएंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड में ये टर्म क्या निकाली थी, फ्लक्स, फ्लक्स क्या था, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, कितने एरिया को हिट कर रहे हैं एस। तो आपके पास ये क्या आ गया, आपके पास ये जो वैल्यू आई एन की, ये देखो, तो आपके पास ये एन क्या आ गया, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया, तो आपके पास क्या आ गया, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड। और डेंसिटी क्या होती है, फोटोन डेंसिटी होती है नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड हमने निकाल लिया, इसको वॉल्यूम एस सी से डिवाइड कर दें या जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइव बाई सी आएगा। तो नेक्स्ट फॉर्मला नोट कर लो, फोटोन डेंसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू फोटोन का फ्लक्स डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट, फाइव बाई सी, ये तो याद करने में फायदा है, कौन बनाएगा फाइव बाई सी। तो इस केस में फोटोन की जो डेंसिटी इज ऑलवेज गिवन बाय फाइव डिवाइडेड बाय सी। आपको फोटोमेट्री की याद तो नहीं आ रही है सुनते हुए, वैसी वैसी फीलिंग आ रही होगी, फोटोमेट्री चल रही है फिर से, समझ में आ रहा है, घर जाके एक बार खुद बनाने पड़ेंगे फॉर्मूलाज, मुश्किल नहीं है, वही चीज बार बार यूज हो रही है। और फ्लक्स की वैल्यू, फ्लक्स की वैल्यू देखो इधर, पावर क्या होती है, एनर्जी पर सेकेंड, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, इधर देखना ये पी बाई फोर पाई आर स्क्वायर क्या है, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, इसको एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड किया तो क्या आ गया, फोटोन फ्लक्स, क्योंकि एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया को फोटोन की एनर्जी से डिवाइड करोगे तो क्या आएंगे, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, पहली डेफिनेशन यही तो थी हमारी आज। तो इस फाई को उठा के यहाँ पुट कर दो डिवाइड बाई सी, तो ये फॉर्मूला बन गया जो मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं है, आपको भी याद नहीं हो सकता यार, कौन याद करेगा इसे, कौन याद करेगा पी लैम्डा फोर पाई आर स्क्वायर एच सी स्क्वायर। कॉन्सेप्ट याद करो कि आपको ये पता है कि फोटोन डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स जो है, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड जो भी होंगे उसको किससे डिवाइड कर देना है, वॉल्यूम से। बस अपने आप ये फॉर्मूला बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ज्यादा ही है ये फॉर्मूला याद कर सकते हो फाइव बाई सी, ठीक है यहां तक, तो फॉर्मूला भी क्लियर है। उसके बाद फोर्स एग्जर्टेड बाय अ लाइट बीम, मान लो अब एक टॉपिक है जिसमें एक ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी इसलिए क्योंकि जो ये लाइट एब्जॉर्ब करेगी ये वापस छोड़ेगी नहीं, रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, ये सिर्फ एब्जॉर्ब करेगी। लाइट आई, पी पावर है, एरिया एस है जिसमें से पास हो गई, ये एब्जॉर्ब करेगी, एक सेकेंड में कितने फोटोन्स हिट हो रहे हैं, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड, जिसका फॉर्मूला पी डिवाइडेड बाय एक फोटोन, ये याद नहीं किया फॉर्मूला, पावर को एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड आ गए, ठीक, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड आ गए। अब एक फोटोन जब हिट करता है उसका मोमेंटम का फॉर्मूला याद रखना है, एच बाई लैमडा, एक फोटोन का मोमेंटम इज एच बाई लैमडा, तो एक फोटोन का मोमेंटम इतना, हमारे पास कितने फोटोन हिट कर रहे थे, इतने पर सेकेंड, तो टोटल मोमेंटम सारे फोटोन्स का एक एक मोमेंट एक फोटोन के मोमेंटम से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, टोटल मोमेंटम डिवाइडेड बाय पर सेकेंड, टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, और टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड सिंप्लीफाई करो पी बाई सी, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, फोर्स, क्योंकि फोर्स क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फॉर्मूला आ गया फोर्स का, फोटोन कितनी फोर्स लगाएगा, पी बाई सी, वेयर पी इज चेंज इन मोमेंटम, बिल्कुल भी नहीं है, पी इज पावर, टॉर्च की पावर थी वो, याद से, पी मोमेंटम नहीं है, पी फॉर पावर है, पॉइंट क्लियर है यहां तक। अब वो कह रहे हैं मान लो ये तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी थी जो पावर, जो फोटोन को सिर्फ सिर्फ क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, मान लो ये मिरर होता,
सारे के सारे फोटोन वापस आ जाते, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाता, ट्वाइस, एच बाई लैमडा की जगह ट्वाइस हो जाता, तो फोर्स भी कितनी हो जाती, ट्वाइस, तो टू पी बाई सी। तो याद रखना आज के बाद अगर लाइट गिर रही है किसी ब्लैक बॉडी के ऊपर तो पी बाई सी फोर्स है, और अगर मान लो ब्लैक, अगर मान लो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस पे गिर रही है तो टू पी बाई सी फोर्स है, ट्वाइस लगाना है आपने रिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है यहाँ तक। अब रेडिएंट प्रेशर या फोर्स एक ही बात है, सेम ही चीज़ है, वही सेम है, एक प्लेट ली, प्लेट का एरिया ए लिया, लाइट को घेरा, लाइट को जब घेरा तो चेंज इन मोमेंटम, ये कुछ करने की मुझे लगता है जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, अभी सीधा सीधा हमने यहाँ तक तो बना ही लिया, ये सेम रिजल्ट है, देखो जरा जो नंबर ऑफ फोटोन्स हैं, ये बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया ने। तो मान लो ये कह रहा है कि सपोज करो, इस स्लाइड से पहले यहाँ पर केस डिस्कस कर रहा है कि मान लो एक प्लेट है जिसका एरिया ए है, और सपोज करो एन का मतलब है कि नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड जो स्ट्राइक कर रहे हैं। नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स कैलकुलेट करने के लिए मान लो ई इज दी एनर्जी रिसीव्ड बाय अ प्लेट, और एनर्जी कैसे निकलेगी, आई इंटू एरिया, प्लेट का एरिया, क्योंकि आई का मतलब क्या है, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, प्लेट के एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी को अगर एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ फोटोन्स आएंगे पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन्स आ गए, और एनर्जी को क्या पुट कर सकते हो, आई इंटू ए। वैसे इस रिजल्ट को डायरेक्टली लिख सकते थे क्योंकि आई इंटेंसिटी जो है पर सेकेंड पर यूनिट एरिया को एरिया से मल्टीप्लाई किया एनर्जी, एनर्जी को एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ फोटोन्स आएंगे। अब इसमें जो फोर्स है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, नंबर ऑफ फोटोन्स आपने पर सेकेंड निकाल लिए। अब सपोज वो कह रहा है कि जो बॉडी है वो सिर्फ वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है और सिर्फ फोटोन्स को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, तो ए की वैल्यू ऐसे के लिए क्या होगी, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या होगा, 1, और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होगा, 0। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होता है ऐसे केस में, एच बाई लैम्डा, फाइनल क्या होता है, 0। अब मुझे पता है एन का मतलब हम निकाल चुके हैं नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम, एक फोटोन का चेंज इन मोमेंटम कितना है, एच बाई लैम्डा, तो एन फोटोन, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दिस इज फोर्स, क्योंकि बेसिकली दिस इज टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, तो दिस इज नोन एज अ फोर्स। तो फोर्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, ये फोर्स की वैल्यू आ गई। तो एक फोटोन जब हिट करेगा तो कितनी फोर्स लगाएगा, इतनी फोर्स लगाएगा। वैसे ये करने की जरूरत क्या थी, पिछले एक्सप्रेशन से सीधा ही आ गया था, हमने नंबर ऑफ फोटोन जब कैलकुलेट कर ही लिए थे और एच बाई लैम्डा से मल्टीप्लाई कर लिया था, वो तो सेम ही चीज़ है। बट चलो, इन एनी केस समझ में आ रहा है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट वही रहेगा, यू जस्ट काउंट नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, उसको एक फोटोन के मोमेंटम से मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स आ गई। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा इसमें, आई ए बाई सी, और प्रेशर क्या होगा फोटोन का, इसको एरिया से डिवाइड कर देंगे तो प्रेशर आ गया, प्रेशर का फॉर्मूला आ गया आई बाई सी। क्या पॉइंट क्लियर है, कब, जब फोटोन सिर्फ और सिर्फ क्या किए जा रहे हैं, एब्जॉर्ब। अगर मान लो सारे के सारे फोटोन रिफ्लेक्ट हो जाएं, कोई एब्जॉर्ब ना हो, तो ये करने की जरूरत नहीं है, पूरे रिजल्ट में इनटू क्या कर देना है, टू, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम अब तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, आने और जाने का पी माइनस माइनस पी इज टू पी, या एच बाई लैमडा माइनस माइनस एच बाई लैमडा इज टू एच बाई लैमडा, तो आपका आंसर ट्वाइस हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना है, ये भी क्लियर है। और सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, कुछ फोटोन्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं और कुछ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो ए का मतलब फ्रैक्शन ऑफ फोटोन्स एब्जॉर्ब, फ्रैक्शन ऑफ फोटोन्स रिफ्लेक्ट, और टोटल फ्रैक्शन का सम 1, तो ए इज इक्वल टू 1 माइनस आर, ठीक हो गया। तो सबसे पहले चेंज इन मोमेंटम व्हेन फोटोन्स रिफ्लेक्टेड, जब फोटोन रिफ्लेक्ट होंगे तो टोटल मोमेंटम का चेंज क्या आएगा, 2h/λ, रिफ्लेक्शन में ट्वाइस आता है, और टोटल जो जब एब्जॉर्ब होंगे तो टोटल चेंज इन मोमेंटम सिर्फ एच बाई लैमडा। एन का मतलब हमने निकाला हुआ है नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड, इसको अगर हम आर से मल्टीप्लाई करें, आर का मतलब फ्रैक्शन ऑफ फोटोन्स रिफ्लेक्टेड, तो टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड को नंबर ऑफ फोटोन्स फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें जो रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास नंबर ऑफ फोटोन्स क्या आ गए जो रिफ्लेक्ट हुए, तो दिस इज टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स रिफ्लेक्टेड पर सेकेंड। एक फोटोन का चेंज इन मोमेंटम क्या होता है रिफ्लेक्शन में, 2h/λ, ट्वाइस आता है, और कितने फोटोन रिफ्लेक्ट हुए पर सेकेंड, इतने,
इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, जिसको क्या बोलते हैं, फोर्स आ गई, ये रिफ्लेक्शन की वजह से फोर्स आ गई, ये रिफ्लेक्शन की फोर्स आ गई। अब एब्जॉर्प्शन की निकाल लें, एब्जॉर्प्शन में नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड जितने भी आए थे उसको किस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है, ए से, ए फ्रैक्शन है, जैसे 3/4, 2/5, कुछ भी जो एब्जॉर्ब हो गए, तो ये क्या आ गया, दीज आर नंबर ऑफ फोटोन्स, ए की जगह 1-r विच आर एब्जॉर्ब्ड, इसको चेंज इन मोमेंटम कितना है, h बाय लैम्डा, एब्जॉर्प्शन में 2 नहीं लगाना, तो ये क्या आ गए, दिस इज द फोर्स ड्यू टू एब्जॉर्प्शन, इन दोनों को आपने क्या कर लिया, एड, तो नेट फोर्स आ गई, नेट फोर्स इसके इक्वल आ गई, और प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया, दिस इज द आंसर। तो ऐसे न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट टाइम करेंगे इसके ऊपर, और इसके ऊपर विल डिस्कस कि जो भी आज हमने रिजल्ट किए उसको हम कैसे न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, ठीक है यहाँ तक। तो अगली बार ये न्यूमेरिकल के बाद हो सकता है फोर्स स्टार्ट हो जाए, और मैं 7:30 वाला बैच मोस्ट प्रोबेबली क्लोज कर रहा हूँ, और क्लोज करके 10-10 बच्चे या जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इन दोनों बैचेस में ऐड होंगे। आपके बैच का टाइम मैंने बता दिया था, उनके लिए बता रहा हूँ जो लेट आए हैं, 7:25 तक हो जाएगा, लेट होगा 7:30 तक, और प्लस वन का ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा सॉल्व करने का, असाइनमेंट्स ज़्यादा कोर्स है ना, तो लेवल बहुत है करने वाले, पूरे कवर करेंगे, पहले वाला 3 बजे।